नमस्कार विद्यार्थियों, आज के मेरे इस महत्वपूर्ण ई कंटेंट ई व्याख्यान क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। ललित निबंधों की परंपरा के मूल्यांकन के क्रम में अब तक हम इस विधा के प्रतिष्ठित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की महनीय भूमिका एवं इस विधा की परंपरा को उन्नति के शिखर तक पहुंचाने वाले अद्वितीय निबंधकार पंडित विद्यानिवास मिश्र के रचनात्मक अवदान को आत्मसात कर चुके। आज हम इस विधा की श्रीवृद्धि में अभूतपूर्व योगदान देने वाले एवं इसे शीर्षस्था प्रदान करने वाले गद्य गंधर्व आचार्य कुबेरनाथ राय के बहुचर्चित निबंध हरि हरि दूब और लाचार क्रोध का अध्ययन करेंगे और इसमें निहित लेखकीय अभिप्रेत को जानने और समझने का प्रयत्न करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात से हम सभी भली भांति परिचित हैं कि ललित निबंध की विधा कोमल स्वभाव की विधा है। इसमें निहित लालित्य बहुत अधिक गंभीरता को आने नहीं देता है, किंतु कुबेरनाथ राय ने अपने निबंधों में इस सीमा का अतिक्रमण किया है। निबंध हरी हरी दूब और लाचार क्रोध, कुबेरनाथ जी के शब्दों में ही कहें तो क्रुद्ध ललित स्वभाव का निबंध है, जिसमें लालित्य के साथ साथ विचारों की दृढ़ता, तीव्रता और कठोरता को भी देखा जा सकता है। हरी हरी दूब के बहाने लेखक ने इसमें जो संदेश दिया है उसे उन्हीं के शब्दों में रेखांकित किया जा सकता है। प्रभु यदि इतना बड़ा बनने का अवसर दे तो वट पीपल बनो, रसाल बनो, और यदि अवसर न मिला तो संतोष करके दुब बनो। तुम्हारी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी महानता का मापदंड होगा। परिवेश की चिंता न करके अंतः सत्य की चिंता कर। उल्लेखनीय है कि अपने निबंधों में कुबेरनाथ राय ने देश, समाज और संस्कृति के ज्वलंत प्रश्नों पर अपनी प्रखर सोच की अभिव्यक्ति की। निबंधों के माध्यम से उन्होंने भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ मूल्यों से नई पीढ़ी को परिचित कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनके निबंधों की यह विशिष्ट शैली है कि वे किसी छोटे से विषय या प्रसंग को उठाकर निबंध का आरंभ करते हैं, लेकिन अंत तक आते आते समसामयिक संदर्भों से उसे जोड़ देते हैं। हरी हरी दूब और लाचार क्रोध की भी यही शैली है। हरी हरी दूब को आखिर कौन नहीं जानता, जो भी थोड़ा धरती पर चलता होगा अवश्य ही यह उसके पैरों के नीचे पड़ी होगी, किंतु लेखक ने जिस तरह से उसमें निहित अर्थ सौंदर्य को ढूंढ निकाला है वह वाकई अद्भुत है, अर्थवान है। दूब को लेखक ने सबसे अधिक बेहद घासों में सबसे अधिक मामूली, सबसे पददलित और उत्पीड़ित पर सबसे इज्जतदार बताया है। लेखक का मानना है कि इस देश में ऐसा कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता जिसमें दुर्वा अर्थात दूब का प्रयोग न किया गया हो। दूब को प्रभुता और ऐश्वर्य तथा समृद्धि के संवर्धन के योग्य समझा जाता है, तभी तो यह देवों के सिर पर विराजती है। लेकिन प्रभुता, ऐश्वर्य तथा समृद्धि संवर्धन समझा जाने वाला यह घास कोई विशिष्ट नहीं है, अपितु पददलित है। ना कोई इसे सींचता है, ना कोई इसे पालता है, तो भी विषम से विषम परिस्थितियों में भी वह अपना अस्तित्व नहीं खोती है, यह अविनाशी है। किसी चाणक्य की कोई भी उक्ति इसे सुखा या मार नहीं सकती है।
लेखक के अनुसार इस घास में जो एक अखरपन है, जो आस्था है, वह विषम परिस्थितियों में भी उसके अस्तित्व को बनाए रहे। आज हमें इस बोध की आवश्यकता है। लेखक लिखते हैं, भीतरी शक्तियों के विकास के लिए, अंतर्बल के विकास और उन्नयन के लिए एवं मानसिक दृढ़ता के लिए हमारा जीवन किसी आस्था की अपेक्षा करता है। आस्था कोई जरूरी नहीं है कि वह ईश्वर या देवी शक्तियों में ही हो। हम ईश्वर के स्थान पर लोकतंत्र में अपनी आस्था विकसित कर सकते हैं, लेकिन लेखक को कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं देता है। उन्हें न तो इस देश के लोकतंत्रीय समाज में इस बोध के दर्शन होते हैं और न ही बुद्धिजीवियों। इस बोध के एक सिरे से गायब होने पर लेखक चिंता प्रकट करते हैं और निबंध में देश की लोकतंत्रीय व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी करते हैं। यह नहीं कि हमारे देश में लोकतंत्र है ही नहीं, यह बिल्कुल असफल है। लोकतंत्र यहां है, पर कुछ ऐसे अस्पष्ट, उलझे और रंग बिरंगे मुखौटे पहने हैं कि इसकी सच्चाई हमारे विश्वास को प्रेरणा नहीं दे पा रही है। यह हमारी आत्मा और हमारे जीवन को ऐसा दृढ़ मूल नहीं बना पा रहा है और सारी तस्वीर प्रेरणा ही मामूली, लचर, किसी तरह जीती हुई अब तक की हालत में जान पड़ती है। इस तरह यहां लोकतंत्र आहत होता है, इस तरह जहां लोकतंत्र आहत होता है वहां हमारा मर्म पीड़ित हो जाता है। उल्लेखनीय है कि निबंध में वर्तमान के ज्वलंत राजनीतिक प्रश्नों के साथ साथ लेखक को भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के आहत स्वाभिमान की चिंता सताती है। अतः लोकतंत्री व्यवस्था में बुद्धिजीवी वर्ग के भीतर उत्पन्न होने वाली चिंताओं को भी निबंध में उकेरा गया है। आस्था विहीन होकर अपने जड़ों से कटते जाने के कारण ही आज व्यक्ति निरंतर बौना होते जा रहा है। लेखक प्रश्न करता है कि कहां गया कुर्सी और सोने के प्रति अवज्ञा का वह सनातन भारतीय भाव। यह लालच, अपने को छोटे बनाने का भाव आखिर कहां से आया? आज भारतीय व्यक्ति पद और पैसे के सामने संविधान को भी छोटा मानने लगा है। यह अलग बात है कि औसत बुद्धिजीवी की लोकतंत्र पर आस्था आज भी कायम है। इसलिए नई पीढ़ी में व्यवस्थागत भ्रष्टता के प्रति एक क्रोध भाव विद्यमान है। इसे ही लेखक ने लाचार क्रोध कहा। उसका आहत क्रोध एक आम लाचारी में है, पर अच्छी बात यह है कि अभी तक भारतीय बुद्धिजीवी ने अपना ईमान नहीं बेचा है। पर लाचारी भोगता हुआ वह दिन प्रतिदिन आत्मसय कर रहा है। निबंध में बुद्धिजीवी वर्ग के इस आहत स्वाभिमान की वेदना को स्पष्ट करने का भरसक प्रयास किया है। लेखक का मानना है कि यदि आज लोकतंत्र में हमारी आस्था होती और हम लोकतंत्र के प्रति वफादार होते तो कबीर तुलसी वाला अंतर्बल हम में भी होता और हम भी कह सकते थे, क्या करेगी तुम्हारी प्रतिभाशाली कुर्सी और उसका महिमामय सोना क्या करूं? मैं अन्याय का विरोध करूंगा। उल्लेखनीय है कि लेखक को कहीं भी कबीर और तुलसी सा यह ललकार भाव दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं पड़ती। अतः निबंध में वर्तमान यथार्थ की इस पीड़ा की अभिव्यक्ति नवीन उद्भावना शक्ति के साथ उद्भासित हुई। प्यारे विद्यार्थियों,
विषय वस्तु की नवीनता के साथ साथ अभिव्यंजना शिल्प की नवीनता आलोच्य निबंध की उल्लेखनीय विशेषता है। निबंध की भाषा में एक आदर्श प्रवाह और शब्द चयन में पूर्ण उन्मुक्त भाव ललित निबंध के लालित्य में चारुत्व तो लाते हैं। यहां संस्कृत के सरल तत्सम शब्द भी हैं तो लाचारी सौदा जैसे उर्दू शब्द भी और ट्रेजेडी जैसे अंग्रेजी के शब्द भी जो सहज ही ग्राह्य। इसे ग्रहण करने में पाठक को कोई कठिनाई नहीं है। निबंध में भाषा के सहज प्रवाह का एक सुंदर उदाहरण द्रष्टव्य है। ईश्वर न सही पर उसकी जगह भरने वाला लोकतंत्र यदि इतना क्षमतावान होता कि वह अपने में आस्था को जन्म दे सके तो भारतीय बुद्धिजीवी आहत क्रोध की इस लाचारी को न भूलता। भारतीय बुद्धिजीवी ने द्रोणाचार्य की तरह अभी तक ईमान नहीं बेचा है और हाथों का सौदा नहीं किया है, पर यह लाचारी भोग कर दिन पर दिन अपना आत्मक्षय कर रहा है। यह एक ट्रेजेडी है। लोकतंत्र में वर्ण स्वातंत्र्य है, वह वर्ण करता है, पर संदर्भ ऐसा है कि वर्ण अर्थहीन हो जाता है। साधारण में असाधारणता की खोज कुबेरनाथ राय जी की निबंध की एक विशिष्ट शैली है जो पाठक के हृदय को आद्यांत बांधे रखती है। उनके निबंधों में विवेचन की सरस शैली कौतूहल और व्यंजना की रोचकता के साथ साथ व्यंग्य और हास का पुट भी विद्यमान है। साथ ही एक विशेष रोचक शैली जिसे वक्रोक्ति या कथन भंगिमा कहा जा सकता है कि सहज दर्शन कुबेरनाथ जी की निबंध शैली की उल्लेखनीय विशेषता है। बात चाहे अपने जन्म की हो या दूब जैसे छोटी सी चीज का परिचय देने की, कुबेरनाथ राय जी अपनी वक्रोक्ति शैली से उसे सरस बना देते हैं। उदाहरण देखिए, कुछ वर्ष हुए मैंने भी इस धरती पर घास पात की तरह जन्म लिया था, बिना किसी तरह के असाधारणता का सौभाग्य मुकुट पहने, मणि प्रवालों के परिवेश से अति दूर एवं उनके बीच जो गेहूं जो ज्वार बाजरा की खेती से कहीं अधिक मन लगाकर नागदंतों विष दंतों की खेती क्या करते हैं। यूं अपने हिंदुस्तान के हिसाब से घास पात की तरह जन्म लेना कोई बेइज्जती की बात नहीं। आगे दूब घास का परिचय देते हुए कुबेरनाथ जी सामान्य से शब्दों में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। यह एक से एक बेहया घासों का देश है, लाख कुचलों रौंदो काटो चिन्नी चटाओ मट्ठा पिलाओ और सब बेकार, रुदन और मरण यहाँ की हरितिमा नहीं जानती, जीवन कितना हठी है और मृत्यु कितनी पराजित, लाचार और दीन, यह कोई हिंदुस्तानी हरितिमा से सीखे। इन सब बेहया घासों में सबसे मामूली सबसे पददलित और उत्पीड़ित पर सबसे इज्जतदार है हरी हरी दो दू दुर्वा का इतना सुंदर मानवीकरण शायद ही इससे पहले किसी लेखक ने किया। दुर्वा का इतना सुंदर मानवीकरण कर लेखक ने अपने कथन को आकर्षक बनाया है। यह उनकी निबंध शैली की बिल्कुल ही नई धारा है, लेखक की नवीन उद्भावना शक्ति का सुंदर उदाहरण है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है
कि निबंध हरि हरि दुह और लाचार क्रोध श्रेष्ठ लालित्य से युक्त ललित निबंध है, जिसमें लेखक ने लालित्य की जमीन पर बैठकर अपनी वैचारिक प्रखरता को उद्भासित किया है। अस्त।